गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सुनैना सक्सेना आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डीके केजे क्लासेस के चैनल पर। और जैसा कि हमने पहले की क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा नंबर सिस्टम के अंदर, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा कि संख्याएं क्या होती हैं नंबर सिस्टम के अंदर, और फिर संख्याओं के बाद फिर हमने कुछ और गुणनखंड की जो विधियाँ थी उन पर बात की। तो आज हम लेकर के आए हैं स्थानीय मान और जातीय मान। मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि हम बिल्कुल बेसिक से चीजें लेके चले। तो जातीय मान और स्थानीय मान, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जातीय मान। जातीय मान क्या होता है कि किसी भी संख्या की एक्चुअल वैल्यू, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 4324 में जो 4 का जातीय मान होगा वो होगा 4, 2 का जातीय मान जो होगा 2, 3 का जातीय मान होगा 3, 4 का जातीय मान होगा 4। यानी किसी भी संख्या की एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो उसका जातीय मान कहलाता है। दूसरा, अगर हम बात करें स्थानीय मान, स्थानीय मान स्थानीय मान की अगर हम देखें तो स्थानीय मान, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, यानी स्थान का मान भी वहां पर लिया जाएगा। जैसे कि यही 4324 अगर हम संख्या लें, जैसे कि अगर हम यहाँ पर 4 के स्थानीय मान की बात करें तो 4 का जातीय मान क्या है? 4। और 4 कौन से स्थान पर है? इकाई के स्थान पर, यानी 1 से हम गुणा कर देंगे तो 4 का जो स्थानीय मान आ गया वो आ गया आपका 4। ठीक, इसी तरह से अगर हम 2 का स्थानीय मान निकालेंगे बच्चों, तो 2 का जातीय मान कितना है? 2। और ये कौन से स्थान पर है? दहाई के स्थान पर, यानी कि हम इसकी गुणा करेंगे 10 से। तो यहाँ पर 2 का स्थानीय मान कितना हुआ? 20। इसी तरह से 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 3 का जातीय मान क्या है? 3। ठीक, और ये कौन से स्थान पर है? सैकड़े के स्थान पर, यानी कि 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 300। इसी तरह से 4 का स्थानीय मान निकालेंगे 4, और ये कौन से स्थान पर है? 1000 के स्थान पर, यानी कि इसका स्थानीय मान कितना हो गया? 4000। ठीक, यानी कि जैसे कि अगर हम देखें तो जातीय मान क्या है कि किसी भी नंबर का एक्चुअल वैल्यू, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द नंबर इज नोन एज, हम बोल सकते हैं जातीय मान। और ये रहा आपका स्थानीय मान। जातीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, और जो स्थानीय मान होगा वो होगा प्लेस वैल्यू, यानी प्लेस का आपको बता रहा है कि कौन से प्लेस पर जो 2 है वो कौन से प्लेस पर है। तो हम बोल सकते हैं कि ये आपके दहाई के स्थान पर है या 10th प्लेस पर है। ठीक, आई होप ये जातीय मान और स्थानीय मान दोनों आपके क्लियर हुए होंगे यहाँ से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे योज्य प्रतिलोम की। फिर से स्टार्ट कर लेना। योज्य प्रतिलोम, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, योज्य यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे योग की। ऐसी संख्या जिसको किसी भी संख्या में योग करने पर, किसी भी संख्या में ऐड करने पर जो आंसर आए वो आए 0। जैसे कि A का जो योज्य प्रतिलोम होगा वो होगा A डैश। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हम बात करें कि 2 का योज्य प्रतिलोम बताइए, 2 का योज्य प्रतिलोम, इंग्लिश में कहेंगे एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स।
का योज प्रतिलोम यानी कि दो में हम ऐसा क्या ऐड करें, ऐसा क्या दो में हम योग करें, ऐसा दो में क्या जोड़ें जिससे जो आंसर आ जाए वो आ जाए हमारा जीरो। तो यहाँ पर जो दो का योज प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, माइनस दो। योज प्रतिलोम जो होगा माइनस का। इसी तरह से अगर माइनस में कोई संख्या है और उसका योज प्रतिलोम हमको निकालना है तो वो प्लस में आएगा। फॉर एग्जाम्पल माइनस थ्री का योज प्रतिलोम जो होगा वो होगा थ्री। बी का जो माइनस प्रतिलोम होगा माइनस बी। माइनस ए का जो प्रतिलोम होगा ए। वन अपॉन ए का जो योज प्रतिलोम होगा माइनस वन अपॉन ए होगा। अंडर रूट टू का योज प्रतिलोम होगा माइनस अंडर रूट टू। आई होप यहां से ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी योज प्रतिलोम। नेक्स्ट अगर हम बात करें योज प्रतिलोम के बाद आता है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम इंग्लिश में कहेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि ऐसा नंबर जिसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें देन आंसर विल बी यूनिटी। आंसर आपका एक आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ए को हम वन अपॉन ए से मल्टीप्लाई करते हैं देन आंसर इज वन, इकाई आ रहा है आपका। जैसे कि दो का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा एक बटे दो होगा, ठीक। एक बटे तीन का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो होगा तीन, ठीक है। इसी तरह से अगर b का गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो 1 अपॉन b आएगा। अंडर रूट 2 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो होगा 1 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक। तो आई होप कि यहाँ से कुछ भी आपका नहीं बचा होगा, सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी ये जो वीडियो है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू सो मच।